मुसलमान के पास आज पैसा नहीं है, अल्लाह दे रहा है, मुसलमान अपने मनहूस शौक में अपनी कमाई पूरी बर्बाद कर रहा है। हमारे घरों के बच्चे अपने स्कूलों को तो जा रहे हैं, तीन तीन महीने चार चार महीने हो गए उनकी फीस स्कूल में नहीं बनी जा रही। हमारी माए शुगर पेशेंट बीपी पेशेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग जाके इलाज कराते हैं, मगर बाप का बेटा अपने बाप को अच्छे दवाखाने में बता के सही गोली खिला के उसका इलाज कराना नहीं चाहता, लड़की में डाल के रखे। बीवी प्रेग्नेंट है, तड़प रही है, दर्दों से गुजर रही है, मगर सालिम शौहर अपनी बीवी का इलाज अच्छे डॉक्टर अच्छे हॉस्पिटल में नहीं करवाता, छोड़ दिया अल्लाह के नाम पे, जाओ कहीं भी कर लो, वहां बता लो, यहां बता लो, यहां 25 रुपए के डॉक्टर को, 30 रुपए के डॉक्टर को, 50 रुपए के डॉक्टर को बता रहे, क्या होगा फायदा भाई? तक हमारा कर रहा क्या? पलट के देखो, रोजाना 10 पूरी खा रहा है गुटके के, कितने में पूरी है? जवाब मिली मौना साहब, 10 रुपए में पूरी। अल्लाह अकबर, खाली गुटके का खर्चा हो गया रोजाना 100 रुपए, कितने? 100 रुपए। फिर उसके बाद सिगरेट, आधी डब्बी सिगरेट भी अगर पी लिया 50 रुपए, 150 रुपए हो गए। फिर दिन में 3-4 चाया 5 चाया दोस्तों के साथ मार लिया, इसके 50 रुपए, 200 रुपए। आज के नौजवान का गंदे शौक का 200 रुपए का खर्चा है। जब ये 200 रुपए अगर इसको काउंट कर ले तो एक महीने में बनते 6,000 रुपए। बच्चे की 400 रुपए स्कूल की फीस नहीं बनता, मगर 6,000 रुपया अपने मनहूस शौक के ऊपर आज का नौजवान खर्च कर रहा है। अपनी जान से ज्यादा अजीज बीवी हर वक्त ख्याल रखने वाली, खिलाने वाली, पिलाने वाली, कपड़े सही करके देने वाली, खाना पकाने वाली बीवी को मुसीबत में दर्दों में डाल के रखा, मगर उस बिचारी को अच्छे दवाखाने ले जाके उसका इलाज नहीं करवाता, उसके दर्दों को दूर नहीं करवाता। ये आज का नौजवान है, जान से ज्यादा चाहने वाले मां बाप मुसीबत में है, घुटनों के दर्द है, कमर का दर्द है, शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गई, मौत रोजाना आके छीके जा रही, मगर जवान बेटा अपने मनहूस शौक में पैसे बर्बाद कर रहा है, मगर अपने मां बाप का इलाज नहीं करवा रहा। नौजवानों जरा तुम जरा गौर करो, क्या तुम वक्त से पहले मरने को पैदा हुए हो? क्या तुम गुटके खाने को पैदा हो, गंदे गंदे शराब पीने पैदा हो, ड्रग्स करने पैदा हो, तुम सिगरेट पीने पैदा हो? नहीं मुसलमानों, आज अहद कर दो, अल्लाह ने कुरान पाक में वादा किया है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। हम खुद वक्त से पहले बोल रहे मौला मेरे को मार दे, मौला मेरे को मौत दे दे, मौला मेरे को मौत दे दे, मौला मेरे को मौत दे, हम खुद मौत मांग रहे हैं गुटके खा के, सिगरेट पी के, शराब पी के, फिर उसके बाद बोलते वक्त से पहले मर गया भाई। अरे मर गया का, तू मर गया भाई, अल्लाह ने तो तुझे बड़ी उम्र दी थी, तू छोटी उम्र मांग ली है। अरे नौजवानों याद रखो, आज एक अल्लाह के वली के उर्स में आए हो तो ये अहद करके जाओ कि तुम ये गंदे काम नहीं करोगे, ये फजूल खर्ची नहीं करोगे, ये अपनी मौत को, अपनी जिंदगी को वक्त से पहले मौत के घाट नहीं उतारोगे, अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपने बच्चों का अच्छा ख्याल रखोगे, अच्छे स्कूलों में पढ़ाओगे, अच्छी तालीम दोगे, अच्छी तरबियत करोगे, उनको अच्छा इंसान बनाओगे। हम ऑटो चला रहे, बच्चे को छोड़ दिया है, क्या करता? कर ले, खेल ले रहा, कूद ले रहा, नाच ले रहा, उन्हें आगे बढ़ाओ कि क्या करता? इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता? नहीं, ये बोलता मेरा बाप ऑटो चलाया, मैं रिक्शा चलाता हूं बोलता। हम अपनी औलाद की तरबियत नहीं कर रहे दोस्तों, घरों में छोड़ दिया औलाद को टीवियां देखने के वास्ते, इतना गंदा माहौल, इतना थर्ड क्लास माहौल बना हुआ है। हमारी बच्ची ससुराल को जाती सबसे पहले दुश्मनी सास से करती, किससे कर? जुम्मा की कुम अम्मा बाबा गए दावत में, क्या बेटी अम्मा अच्छी है? नहीं अब्बा, ये सास बहुत बदमाश है अब्बा, ये ससुरा बुड्ढा बहुत खतरनाक है अब्बा, वो देवरानी वो जेठानी दोनों भी बदमाश है अब्बा। बोले हाँ, 8 दिन में इतनी खतरनाक हो गई, कहां से सीखी भाई? रोजाना घर में गंदे गंदे ड्रामे प्रोग्राम्स दिखा रहे हो,
منحوس ڈرامے گھروں میں اذان ہو رہی ہے, منحوس ڈرامے چل رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے, جماعت کا وقت ہو گیا, بازو سے بندہ کہہ رہا ہے حی علی الفلاح کامیابی کی طرف محسن صاحب دن میں 10 مرتبہ پکار رہے ہیں ایار الفلاح, 10 بار کہہ رہے ہیں دن میں, مگر افسوس کوئی کامیابی کو سمجھنے تیار نہیں ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کاروبار میں میری کامیابی ہے, دنیا سمجھ رہی ہے گراہک میں میری کامیابی ہے, دنیا سمجھ رہی ہے تعلیم میں میری کامیابی ہے, عورتیں سمجھ رہی ہے گھروں کے ڈرامے دیکھنے میں میری کامیابی ہے. یاد رکھو نوجوانوں, خدا کی قسم دنیا کا شہنشاہ اور بادشاہ بھی ہو تو اس کی کامیابی اس کی سلطنت سنبھالنے میں نہیں آئے, سب کو چھوڑ کر خدا کے دربار میں سجدے کرنے میں کامیابی رکھی. میرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا سے آزم.